Okay, now moving forward to the fourth question of exercise 4.2. The question is, find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Okay, तो अभी consecutive positive integers क्या होता है? For example, ये आपका number line है, यहाँ पे आपका 0 है, इधर सारे positive values होते हैं right side में, और इधर सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं लेफ्ट साइड में. ओके तो अभी कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव यानी क्या, ये जीरो के राइट साइड वाला वैल्यूज. ओके तो जीरो के बाद कॉन्जिगेटिव, फर्स्ट कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी 1, नेक्स्ट विल बी 2, नेक्स्ट विल बी 3. ओके अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट दो पॉजिटिव कॉन्जिगेटिव इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर है आपका 1. ओके थोड़ी देर के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, कॉन्जिगेटिव 2 होगा. ओके तो 1 का 2 कैसे बना है, प्लस 1 ऐड करके. ओके 1 का 2 कैसे बना है, प्लस 1 ऐड करके. सिमिलरली यहां पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका x है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा फिर, x प्लस 1. ओके सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको. तो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, देयरफॉर सेकेंड consecutive positive integer क्या होगा, x plus 1 होगा, x plus 1. ओके ये आपका रफ वर्क है. ओके फिर क्या गिवन है आपको, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365. सो सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है, सम ऑफ स्क्वायर्स इनका 365 है. तो सम ऑफ स्क्वायर किसका, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का और सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, इनके स्क्वायर का सम. ओके सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस सम यानी प्लस, और सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है 365 है. ओके तो अभी इसको सॉल्व करना है बस, x स्क्वायर प्लस, अभी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आपको आइडेंटिटी लगाना है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, वो आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके तो यहां पे a क्या है आपका x और b क्या है आपका 1. ओके तो सेम आपको आइडेंटिटी यहां पे लगाना है, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 365. नाउ दिस x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 365 को मैं इधर LHS में लेके आता हूँ, तो इट विल बिकम माइनस 365 विच इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 विच इज इक्वल टू 0. अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करूं तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 विच इज इक्वल टू 0. ओके लास्ट क्वेश्चन वाला ही इक्वेशन मिला है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमको मल्टीप्लीकेशन 182 चाहिए था. ओके तो अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, सो मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, 1 इंटू माइनस 182 यानी माइनस 182 आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए. एडिशन क्या चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट यानी 1, सो एडिशन आपको प्लस 1 चाहिए. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 182 आना चाहिए और एडिशन प्लस 1 आना चाहिए. ओके तो 182 कैसे बना है, 2 इंटू 91 से 182 बना है. ओके
और 91 कैसे बना है, 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके 91 क्या होता है, 13 सेवन 91, सो 2 इंटू 7 इंटू 13 आपको 182 देगा फिर से। तो हम क्या करते हैं, 2 और 7 को साथ में लेते हैं, 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 भी आपको 182 देने वाला है। ओके तो 14 और 13 ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों में गैप 1 का है और हमको एडिशन में 1 ही लाना है। ओके सो इसलिए 14 और 13 ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। अभी साइन किसको देना है, अभी आपको प्लस 1 चाहिए तो आप माइनस 13 प्लस 14 करोगे तो आपको प्लस 1 मिलता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 14 इंटू माइनस 13 माइनस 182 मिलेगा। सो इन दिस वे वी गॉट द फैक्टर्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 विच इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 13 बचेगा, और ये दोनों में क्या कॉमन है, 14 कॉमन है। ओके 14 कॉमन है तो x माइनस 13 बचेगा यहाँ पे भी। अभी ये दो टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 13 इधर भी है और x माइनस 13 इधर भी है, सो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बचा क्या, x प्लस 14, x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 0। ओके तो अभी दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के साथ, तो इंडिपेंडेंटली इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो x माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 13, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 14। ओके तो अभी देखो x का दो वैल्यू आया है, एक पॉजिटिव वैल्यू आया है और एक नेगेटिव वैल्यू आया है। आपका क्वेश्चन क्या है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम x का माइनस का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग क्या स्टेटमेंट देंगे, सिंस द नंबर्स आर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल। ओके एक्स का वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू 13। ओके देयरफॉर x विल बी 13। सो x हमने किसको कंसिडर किया था, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, और x क्या है हमारा 13, सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी 13, और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज वॉट, एक्स प्लस 1, यानी एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू वॉट, 14। ओके तो फर्स्ट कॉन्जिकेटिव नंबर क्या है, 13, और सेकेंड नंबर क्या है, 14। अभी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, अभी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है, इन दोनों का सम करने के बाद हमको 365 आना चाहिए एज पर द क्वेश्चन गिवन। ओके 365 आता है कि हम लोग चेक करते हैं, 9 प्लस 6 15 होता है, नाउ 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 16 होता है, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 365, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके